तो दोस्तों आज हम आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आ चुके हैं। अगर दोस्तों आप लोग ओ लेवल या फिर ए लेवल कर चुके हैं या फिर प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो पूरा आपके लिए होने वाला है। आज के इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों के साथ बहुत ही बड़ी न्यूज को शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों बस आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बेसिकली अगर आप लोग ओ लेवल या फिर ए लेवल को क्वालिफाई कर चुके हैं तो दोस्तों आप लोगों को ट्रिपल सी का जो सर्टिफिकेट वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आप लोग ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करें और किन किन लोगों को ट्रिपल सी सर्टिफिकेट है वो मिलेगा और किन लोगों को नहीं मिलेगा ये हम आगे वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट से हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हमारे इस चैनल पर वीडियो आते रहेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको student.nilit.gov.in वेबसाइट पे आ जाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आने के बाद अब आपको सबसे नीचे यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डाउनलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे नए पेज पे ये भेज देगा। तो दोस्तों यहाँ पे आने के बाद आप साफ साफ ब्लू लाइन में ब्लिंक करता हुआ आप यहाँ पे देखेंगे कि प्रोसीजर फॉर डाउनलोडिंग ट्रिपल सी सर्टिफिकेट 2। जो लोग ओ लेवल या फिर ए लेवल का जो पहला एग्जाम होता है जिसका मॉडल नंबर M1R5 या फिर M1R5.1 इसके अंतर्गत जो लोग भी इस एग्जाम को क्वालिफाई कर चुके हैं उन लोगों को ट्रिपल सी का जो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्टिफिकेट वो मिलेगा। और दोस्तों जो लोग ए लेवल के अंदर A1R5 या फिर A1R5.1 का जो एग्जाम है वो क्वालिफाई कर चुके हैं तो उन लोगों को भी ट्रिपल सी का जो सर्टिफिकेट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो दोस्तों अब आपको ट्रिपल सी के सर्टिफिकेट को डाउनलोड कैसे करना है अब हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों इसके बारे में और जानने के लिए हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक PDF में ओपन होके आ जाएगा। इसके बारे में सब कुछ लिखा गया है कि किन लोगों को ये सर्टिफिकेट मिलेगा और कैसे मिलेगा। आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन एक एग्जांपल मिल जाएगा। ट्रिपल सी के सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे रेगुलर सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद कोर्स फॉर्म में कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ईयर डालना है और मंथ डालना है, रोल नंबर डालना है, उसके बाद स्टूडेंट DOV डालना है, उसके बाद कैप्चा डालना है। तो दोस्तों जिस तरह से यहाँ पे फिल किया गया है फॉर्म को उसी तरह से आपको वहाँ पे फिल करना है। तो दोस्तों चलते हैं फॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हमको वहाँ पे बताया गया था कि रेगुलर के ऊपर टिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे टिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों कोर्स फॉर्म में हमको ट्रिपल सी कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट के ऊपर क्लिक करना है जो कि यहाँ पर है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों ईयर, आप में से बहुत सारे लोग ईयर के ऊपर कंफ्यूज होंगे। तो दोस्तों ईयर और मंथ का यहाँ पे सिंपल मतलब ये है कि आप लोग M1R5 या फिर M1R5.1 का जो एग्जाम है किस ईयर और किस मंथ में क्वालिफाई किया है। तो दोस्तों आप अपने हिसाब से आप जिस मंथ और जिस ईयर में क्वालिफाई किए रहेंगे उसको यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। हमारे केस में यहाँ पे 2022 है तो यहाँ पे हम 2022 मंथ जनवरी है तो यहाँ पे 2022 और मंथ में जनवरी सिलेक्ट कर लेंगे। अब दोस्तों आपको रोल नंबर डालना है तो रोल नंबर को डालने से पहले दोस्तों आपको ट्रिपल सी लिखना पड़ेगा तो यहाँ पे हम ट्रिपल सी लिख देते हैं। उसके बाद जो हमारा रोल नंबर है उसको डालते हैं। तो दोस्तों रोल नंबर डालने के बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है स्टूडेंट DOV। आपको यहाँ पे अपना DOV डालना है तो चलिए हम यहाँ पे अपना DOV डाल देते हैं। आपको यहाँ पे दूसरी तरह से बिल्कुल करने की कोई जरूरत नहीं, आपको सेम इसी तरह से जिस तरह से मैंने यहाँ पे फॉर्म को फिल किया इसी तरह से आपको फॉर्म को फिल करना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे अपना कैप्चा फिल करना है तो हमारे केस में कैप्चा V2ZXK है और आपके केस में कैप्चा दूसरा भी हो सकता है दोस्तों, तो यहाँ पे चलिए हम कैप्चा डाल देते हैं। अब दोस्तों कैप्चा डालने के बाद यहाँ पे हम सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपका सारा डॉक्यूमेंट सही होगा, सब कुछ सही होगा तो आपको यहाँ पे जो वेरीफाई कोड ईमेल और SMS है ये आपका इनेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, आपको यहाँ पे ईमेल से वेरीफाई करना है या फिर मोबाइल नंबर से वेरीफाई करना है। यहाँ पे दोस्तों ईमेल ID से वेरीफाई कर लेते हैं। ईमेल ID से वेरीफाई करने के लिए आपको इस बॉक्स में अपना ईमेल ID डालना होगा और यहाँ पे कैप्चा कोड। तो दोस्तों आपको यहाँ पे कैप्चा और ईमेल ID लिखने के बाद यहाँ पे सेंड मेल के ऊपर क्लिक करना है। दोस्तों आप यहाँ पे जैसे ही सेंड मेल के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको दोस्तों वेरिफिकेशन कोड का एक बॉक्स मिलेगा। आपने जो भी अपना ईमेल दिया होगा उस ईमेल पे आपको एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा, आपको यहाँ पे उस कोड को डालना है, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे अपने कोड को डाल देते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे कोड डालने के बाद हमको यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने यहाँ पे आपके कैंडिडेट का जो भी डिटेल है यहाँ पे शो होने लगेगा। अब दोस्तों आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अपने सर्टिफिकेट को यहाँ पे डाउनलोड कर देंगे। तो जैसे ही डाउनलोड सर्टिफिकेट करेंगे आपका सर्टिफिकेट आपके कंप्यूटर या फिर मोबाइल फोन में डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमारा सर्टिफिकेट हमारे सामने डाउनलोड होकर आ गया है। तो दोस्तों आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के और इम्पोर्टेंट वीडियो हम अपने इस चैनल पे लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।